25 अगस्त को रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म पंचकृति फाइव एलिमेंट्स की मुख्य एक्ट्रेस पूर्वा पराग से एक खास मुलाकात। जी मेरा नाम पूर्वा पराग है। अभी मेरी आपने मुझे देखा होगा वो तीन दिन में अपोजिट संजय मिश्रा जी, मैंने एक लीड फिल्म में लीड किया है, देन कच्चे लिंबू भी मेरी रिलीज हुई थी। उसके अलावा मैं काफ़ी सारे टीवी शोज जैसे क्या कसूर है, अमला का, सरोगुण संपन्न, सरोजनी, जय संतोषी माँ, हम सफर, इन सब में लीड मदर का कैरेक्टर कर चुकी हूँ। बट जैसे इसमें और इसमें बहुत अंतर है, मेरे सारे किरदार जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो मुझमें और उनके परिवेश में और व्यक्ति में वो पूर्वा नहीं होते, वो किरदार होते हैं डायरेक्टर और लेखक के लिखे हुए। सो ये मुझे हमेशा बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। किरदार अलग अलग करते हैं, तो एक किरदार में जाने के लिए आपको एक्टिंग करने के लिए उस किरदार में आपको ढलना पड़ता है जी। फिर वापस पूर्वा में आने के लिए आपको क्या मशक्कत? मैं ट्रेंड एक्ट्रेस हूँ, मैंने राष्ट्रीय नाट्य NSD से ट्रेनिंग लिया है। तो हमें एज एन एक्टर हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे करें। तो एक तो मैं हूँ जिसको मैं बचपन से जानती हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या हूँ, और फिर मैं इसका श्रृंगार करती हूँ, इसको बनाती हूँ कोई दूसरा किरदार। मेरी भाषा बदलती है, मेरा पहनावा बदलता है, मेरे जेस्चर्स पोस्चर्स बदलते हैं, और फिर मैं बनती हूँ, जैसे इसमें मैं एक अलग किरदार खोपड़ी करके जो कहानी है उसमें मैं जिन काला जी की वाइफ बनी हूँ। तो वो किरदार बुंदेलखंडी बोलता था, हिंदी नहीं बोलता था, वो ब्राह्मण परिवार की एक बहुत भीरू सी स्त्री है जो धर्म और इसके अंधविश्वासों पर भी आस्था रखती है, और बीवी है जो कड़क होकर पति से बात करती, एक हाउसवाइफ की अथॉरिटी भी है उसके पास। तो उस किरदार तक भाषा चेंज हुई, उन सारे संस्कारों को समझना, उन पैटर्न्स को समझना, तो ये एक वर्कशॉप टाइप हो जाता है। जैसे ही आपका कोई स्क्रिप्ट हाथ में आती है वैसे ही आप ये सारे रिसर्च करना चालू करते हो। तो जैसे मुझे बुंदेलखंडी आती नहीं थी, तो मैंने जब तक मैं बॉम्बे से चंदेरी पहुंची मैं बुंदेलखंडी गीत सुनती रही, तो कानों में वो भाषा मेरे जब 3-2.5 दिन मेरे भाषा कानों में पड़ी, तो अपने आप वो भाषा आप में दौड़ने लगती है। फिर वो स्क्रिप्ट के साथ आपको हेल्प मिल जाती है, सेट पे आपके पास डायलॉग नरेटर होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि कौन सा वर्ड कैसे बोला जाए। तो ऐसा कहा जाए ना, तो ये अकेले एक्टर का काम नहीं होता, कॉस्ट्यूम वाला होता है, डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, सब सिखाते और मिलजुल के एक किरदार बनाते। स्विच ऑन स्विच ऑफ आप इजीली कर लेती है कि या उसके लिए आपको एक कहते ना हर एक दोस्त कभी ना होता है, तो ऐसे ही हर एक एक्टर भी कभी ना होता है। हमें किसी की मौत पे रोना है अगर, तो साथ में हमको ये भी हम रो रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी देखना होता है कि कैमरा कितना दूर है, अभी क्लोज आ गया, अभी लाइन बोलूँ, अभी आंसू बहा के रोना है, अभी आँख नीचे करके रोना है, हाँ नाक तो नहीं टपक रही है। सो बीइंग एन एक्टर जब हम किरदार परफॉर्म करते हैं, बीइंग ए कैरेक्टर जब हम किरदार परफॉर्म करते हैं, बीइंग एन एक्टर हम कमीनगी करते हैं, क्या चल रहा है, सही क्या लग रहा है, अच्छा क्या लग रहा है, बुरा क्या लग रहा है। तो जैसे जैसे आप अपने क्राफ्ट को सीखते जाते हो वैसे वैसे आप इसको मास्टरी करते जाते हो। कुछ सीन इतने इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं जिससे बाहर निकलना में टाइम लगता है, जैसे आपका ऐसा सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है तो आप थोड़ा एक चाय ब्रेक लेते हो, फिर आप उन फीलिंग्स, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट हमारी बॉडी है ना, तो फिर हम उन फीलिंग्स से बाहर निकलते हैं, तब हम उससे बाहर आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वही प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर कैसा है। आपको अब तक कौन सा कैरेक्टर जो याद है जो जिसको निभाने में आपको बहुत मजा आया? वैसे मुझे सारे कैरेक्टर में मैंने ईमानदारी से बहुत मेहनत की, और इस साल मेरी 5 फिल्में आ रही है, 5ों में मेरा अलग जाति भाषा की अलग नेचर की महिला हूँ मैं। कुछ एक में मुस्लिम हूँ, उर्दू पाकिस्तानी उर्दू वाली मुस्लिम हूँ, एक में मैं मराठी औरत हूँ, बिल्कुल खानदेशी वाली, इसमें मैं बुंदेलखंडी महिला हूँ, इसके पहले बम्बैया मॉम थी मैं कच्चे लिंबों में, उसके पहले वो 3 दिन में मैं यूपी की मम्मी थी। तो ये सब अलग 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 किरदार हैं, बट और हर बार करने में बहुत मज़ा आता है, और कैरेक्टर ख़त्म होने का लगता है हो गया आप भूल जाओ, और फिर नया जब होता है तो फिर वही ABCD होती है। बट अभी मैंने एक शो किया था जय संतोषी माँ, NTV पे आता था, उसमें मैंने कुंती का किरदार निभाया था, उसमें बहुत कलर थे, तो दैट वॉज एक्चुअली मैं कहूँ तो मेरा वो स्कूल थे ना वो बैडमिंटन की नेट प्रैक्टिस है, तो मैंने कंप्लीट नेट प्रैक्टिस उस कैरेक्टर पे की है, सो दैट वॉज आई फाइंड इट वेरी क्लोज टू मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।